इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा राजस्थान हाई कोर्ट LDC 12 मार्च को आयोजित हुए एग्जाम के आंसर की चर्चा करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना और 19 तारीख को जिनका भी एग्जाम है उनके लिए इसमें जो भी राजस्थान जीके के क्वेश्चन बने हैं उन टॉपिक्स पर बनने वाले और भी क्वेश्चन की मैं वीडियो लेके आऊँगा, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकाली गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर आपके हरी के बेराज से निकाली गई है। पहले का राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस भारत को किस दूसरे देश के बीच में चलती है? तो बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस आपके भारत और बांग्लादेश देश के बीच में चलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में प्रधानमंत्री पद से यह कहते हुए त्यागपत्र दे दिया कि उनके पास देश के लिए नया कुछ भी नहीं है? तो इसका आपको राइट आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी राजस्थान से नहीं था? केसरी सिंह बारट, विजय सिंह पथिक, गणेश लाल व्यास या गणेश शंकर शंकर विद्यार्थी? तो गणेश शंकर विद्यार्थी आपके स्वतंत्रता सेनानी राजस्थान से नहीं थे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या बिहार? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक बिहार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28/1/2023 यानी कि 28 जनवरी को भारतीय वायुसेना के कौन से दो विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे? तो आपके पास ऑप्शन है राफेल तथा मिराज, सुखोई तथा राफेल, सुखोई तथा मिराज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय वायुसेना के दो विमान जो दुर्घटनाग्रस्त हुए थे 28 जनवरी, कब हुए थे 28 जनवरी, तो वो आपके थे सुखोई तथा मिराज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बागोर सभ्यता आपके कोठारी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा जिला जो चार राज्यों की सीमा को छूता है? सवाईमाधोपुर, बांसवाड़ा, सोनभद्र या चंडीगढ़? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सोनभद्र, आपके चार राज्यों की सीमा को छूता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जिले में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है? लाल लोमी मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? आपके पास ऑप्शन है अलवर, झालावाड़, उदयपुर या चूरू? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो लाल लोमी मिट्टी आपके उदयपुर में पाई जाती है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़ाकू विमान सुखोई उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला पायलट कौन है? अवनी लेखरा, अवनी चतुर्वेदी, सरला ठकराल या मिंटी अग्रवाल? तो लड़ाकू विमान सुखोई उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला पायलट है अवनी चतुर्वेदी। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा और यमुना नदी का संगम निम्न में से किस स्थान पर होता है? तो प्रयागराज, इलाहाबाद में आपके गंगा और यमुना नदी का संगम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरा बादल का संबंध किससे था? तो गोरा बादल का संबंध रानी पद्मिनी और रतन सिंह से था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था वर्तमान में भारत में कौन क्या है, ऐसे क्वेश्चन जरूर बनेगा और मैंने आपको जो वीडियो कराया उसमें ये क्वेश्चन था। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक नीचे, प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो। वर्तमान में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन सी रिपोर्ट के कारण अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई है तथा उद्योगपति गौतम अडानी को दुनिया के 10 अमीरों की सूची से बाहर कर दिया गया? तो ये रिपोर्ट थी आपकी हिंडनबर्ग रिपोर्ट। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कपास उत्पादक शीर्ष राज्य कौन सा है? तो कपास उत्पादक शीर्ष राज्य भारत में कौन सा है? गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र या राजस्थान में से कौन सा था कपास उत्पादक? गुजरात आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 का फाइनल मैच किन दो देशों की टीमों के मध्य हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 का फाइनल मैच अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच में हुआ था। टॉपिक वाइज जीके में मैं आपके लिए एक बार लाया था फीफा वर्ल्ड कप से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उसमें ये मैं क्वेश्चन ऑलरेडी आपको करवा चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में है? कोलकाता, लॉर्ड्स, अहमदाबाद या मेलबर्न? तो अहमदाबाद में जो मोदी स्टेडियम है वही विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग 27 किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? सिरोही, कोटा, चित्तौड़गढ़ या पाली? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 27 आपके
पाली जिले से होकर नहीं गुजरता है। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों का नामकरण किसके नाम पर रखा गया, यानी कि जो नामकरण रखा गया था वो किन के नाम पर किया जाता है? स्वतंत्रता सेनानी, भारत रत्न विजेता, परमवीर चक्र विजेता या पद्म विभूषण? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा परमवीर चक्र विजेता के नाम पर रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में अबूझ सावा किस दिन मनाते हैं, गणगौर, बसंत पंचमी, कार्तिक पूर्णिमा या आखा तीज? तो अबूझ सावा जो राजस्थान में है वो आखा तीज के दिन मनाए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा पद्म भूषण अवार्ड लेने से इनकार कर दिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बुद्धदेव भट्टाचार्य द्वारा पद्म भूषण लेने से इनकार कर दिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस किले की प्रशंसा में निम्न दोहा प्रसिद्ध है, गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, भलो चिणायो भाट या सिरे तो जैसलमेर? तो ये आपके सोनारगढ़ किला जैसलमेर के लिए कहा गया। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक देवता बाबा रामदेव जी के पिता का क्या नाम था? तो लोक देवता बाबा रामदेव जी के पिता का क्या नाम था? अजमाल जी। राइट आंसर हो जाएगा बी। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणगौर पर्व पर गौर यानी गवर की पूजा की जाती है, ये किस देवी का रूप है? तो गवर आपके पार्वती देवी का रूप है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सूची में सुमेलित करने थे, एक साइड आपके सीमेंट का नाम दिखे हुए और दूसरी साइड आपके जिले का होगा। तो अल्ट्राटेक सीमेंट का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अल्ट्राटेक सीमेंट आपके अजमेर में है। जेके लक्ष्मी सीमेंट की बात करें तो ये आपके बूंदी में है। श्री सीमेंट ये आपके सिरोही में है और एससीसी सीमेंट ये आपके चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छप्पन का मैदान का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? तो छप्पन का मैदान का संबंध आपके माही नदी से है। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से राज्य में मालवा पठार का फैलाव नहीं है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या महाराष्ट्र? तो मालवा पठार का जो फैलाव है वो कौन से राज्य में नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मालवा पठार का जो फैलाव है वो आपके महाराष्ट्र राज्य में नहीं है। डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ आए थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में सर्वप्रथम करौली में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पासपोर्ट संबंधी सेवाओं की पंजीकरण, आवेदन और भुगतान आदि करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत में पासपोर्ट संबंधी सेवाओं के लिए पंजीकरण, आवेदन और भुगतान आदि के लिए जो पासपोर्ट है वो एम पासपोर्ट सेवा है। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंडा पर्वत का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो सुंडा पर्वत का संबंध राजस्थान के जालोर जिले से है। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस 26/1/2023 को नई दिल्ली में हुए समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो मुख्य अतिथि आपके मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी थे। राइट आंसर हो जाएगा सी। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नामीबिया से लाए गए चीतों को भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया? तो नामीबिया से लाए गए चीतों को भारत के कूनो जो कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान स्थित है वहां पर रखा गया था। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक राजनेता, अधिवक्ता और संविधान सभा के सदस्य भी थे? राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यटन स्थल और उसके स्थान का असंगत मेल बताना है। सिलीसेड अलवर राइट है, आमेर का किला जयपुर सही है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा पाली ये आपका गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। और जूनागढ़ का किला आपका बीकानेर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर शहर के नाम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें आपके राव बीका तथा नैरा जाट के मध्य समझौते के कारण इस शहर का नाम बीकानेर पड़ा, ये आपका राइट हो जाएगा। तो यानी ए आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो के वर्तमान महासचिव कौन है? तो नाटो के वर्तमान महासचिव है जेंस स्टॉल्टेन बर्ग, आपके नाटो के वर्तमान महासचिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में राज्यसभा का अध्यक्ष कौन है? राजस्थान में वर्तमान में कौन, क्या मैं ये क्वेश्चन करा चुका था, उसमें मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा का सभापति या अध्यक्ष वही होता है जो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा के अध्यक्ष है जगदीप धनखड़। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी विक्षोभ का संबंध है? तो पश्चिमी विक्षोभ का संबंध आपके भूमध्य सागर से है। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई? तो राजस्थान राज्य की स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई है। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पेट्रोलियम भंडार क्षेत्र नहीं है? इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश
कमलकांत वर्मा थे, के वर्मा, जिनका शॉर्ट नेम है, राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिला मुख्यालय पर जिला और सत्र न्यायालय का मुख्यालय नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़ जिले में जिला और सत्र न्यायालय का मुख्यालय नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 का शुभंकर क्या था? ये भी क्वेश्चन मैं आपको करंट अफेयर में करवा चुका हूँ। तो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 का शुभंकर आपका शेरू है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल गार्डन का नाम हाल ही में अमृत उद्यान रखा गया, वो कहाँ पर स्थित है? तो मुगल गार्डन का नाम हाल ही में अमृत उद्यान रखा गया है, ये आपके राष्ट्रपति भवन पर स्थित है। जैसा कि करंट अफेयर में देखा जाए तो इंडिया करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन क्वेश्चन पूछे गए थे और प्रीवियस 6 मंथ में से ही क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए 19 तारीख वालों के लिए मैं इंडिया करंट अफेयर के ऊपर भी वीडियो लेके आऊँगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ पर्यटन परिपथ से संबंधित पर्यटन स्थल नहीं है, कुंभलगढ़ है, नाथद्वारा है, डूंगरपुर है, लेकिन माउंट आबू नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा किला सुदर्शनगढ़ के नाम से विख्यात है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नारगढ़ का किला सुदर्शनगढ़ के नाम से विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्यकार गीतांजलि श्री को उनके किस उपन्यास हेतु बुकर पुरस्कार दिया गया है? तो साहित्यकार गीतांजलि श्री को रेत समाधि के लिए उन्हें बुकर पुरस्कार दिया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज कौन सा है? तो विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज है गंगा विलास क्रूज, राइट आंसर हो जाएगा सी। एंड लास्ट क्वेश्चन, कौन से क्षेत्र का राजस्थान में विलय 1 नवंबर 1956 को हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर का विलय 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में हुआ। तो ये आज की शिफ्ट में पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन थे। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं।